This conference will now be recorded. कल हमने दो चीजें सीखी हैं, एक अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है और दूसरा कंपाउंड सॉरी अक्यूमुलेटेड अमाउंट का फार्मूला क्या है। अगर आप देखें कि हमने पढ़ा था I इज इक्वल टू पी आर टी और एक पढ़ा था A इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर टी, कुछ इसके बेसिक से क्वेश्चन भी किए थे और आज हमने फिलहाल वही क्वेश्चन कंटिन्यू करने हैं और फिर इसके बाद मेन जो फाइनेंस की चीजें हैं जब ये फार्मूलों की प्रैक्टिस हो जाएगी फिर जो मेन क्वेश्चंस या इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन लिखे जरा, अपने अपने कैलकुलेटर मंगवाएं अपने पास, अपने अपने कैलकुलेटर अपने पास रखें ताकि क्वेश्चन का आंसर करते हुए आपका बहुत कम टाइम लगे। तो क्वेश्चन ये है, एन अमाउंट ऑफ रुपीस 400,000 इन्वेस्ट एंड रिसीव्ड रुपीज 240,000 एक्सेस फॉर एट ईयर्स एंड 10 मंथ। What will be the rate of interest? जल्दी से आप मुझे इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करके दें। जी जनाब, करें जरा स्टार्ट। जो बंदा बाद में रिकॉर्डिंग सुनता है वो भी इसी फॉर्मेट के हिसाब से चलेगा कि पहले क्वेश्चन सॉल्व करके फिर उसका सॉल्यूशन वेरीफाई करिया करेगा। शानिम का आंसर आ गया 7.5%। बाकी भी बताएं, बाकी लोग भी अपना आंसर बताएं। बाकी लोगों का भी ऑलमोस्ट 7.5% ही आ रहा, हम चेक करते हैं, वेरीफाई कर लो जरा। लिखा हुआ है 400,000 आपने इन्वेस्ट किया, दैट इज पी। आपको रिसीव हुआ एक्सेस, एक्सेस का मतलब 4 लाख से ऊपर, तो ये आपका आई है, ए नहीं है। अगर इसमें ए देखोगे तो वो 6,40,000 होगा। जितने आपको एक्सेस में मिलते हैं वो आपका इंटरेस्ट होता है। टाइम आपका है 8 साल 10 महीने, तो हम फार्मूला यही इस्तेमाल कर लेते हैं, आई इज इक्वल टू पी आर टी 2,40,000, पी हमारा 4 लाख है, रेट हमने फाइंड करना है और टाइम है 8 साल 10 महीने, 8 साल और 10 महीने, 8 प्लस
10/12 53/6 आर हम फाइंड करते हैं जो एंड पे आंसर आ रहा होगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 लाख को 4 लाख 2,40,000 को 4 लाख पे डिवाइड करेंगे आप चेक करें जरा आंसर आपका सही है या मुझे लगता है गलत है आंसर 6.8% आ रहा है चेक करें जरा आंसर 6.8% आ रहा है जिन लोगों ने 7.5% निकाला है वो एक दफा अपना आंसर रिवाइज करें जरा काइंडली डन हो गया आप इसको सॉल्व फॉर एक्स से भी कर सकते हैं लेकिन ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स में तो मुश्किल क्वेश्चन करते होते हैं आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन लिखें इन हाउ मेनी इयर्स In how many years an amount is double itself if rate of interest is 18% पर एनम चलो जरा इन हाउ मेनी इयर्स एन अमाउंट इज डबल इटसेल्फ इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 18% हाँ जी सबने सॉल्व करना है कोई भी बंदा सॉल्व किए बगैर काम नहीं करेगा तब ही जाकर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी फाइनेंस के अंदर अयाज का आंसर पर 5.5 साल आ रहा है बाकी भी फाइंड करें आशिर का भी यही आंसर है खवातीन क्लास में सिर्फ एक खातून बोलती है बाकी खवातीन जवाब ही नहीं देती क्या बात है सारे लोग अपने अपने आंसर्स बताएंगे चैलेंज अब हम देखते हैं किसका आंसर ठीक बनता है ये पेपर में क्वेश्चन अक्सर आ भी जाता है लिखा हुआ है कि अगर हम सपोज करें कि हमने एक्स इन्वेस्ट किया है और फ्यूचर में उसने डबल हो जाना है सपोज हमने जो इन्वेस्ट किया है वो एक्स वैल्यू है और फ्यूचर में उसने डबल हो जाना है तो हमने उसको 2x लिख लिया ओके होगी बात
एयाज भाई कह रहे हैं कि उनको क्लास से रिमूव किया जा रहा है। एयाज भाई आप तनवीर साहब को कॉल करें कॉलेज के नंबर पे, उनसे अपना रोल नंबर लें, और जो एडमिन है वो अपना नंबर भी शेयर करे, ताकि अगर किसी को इश्यू आता है तो वो क्लियर करवा ले अपना। जी, पी हमारा एक्स है और ए हमारा फ्यूचर वैल्यू है हमारा 2x। फार्मूला हम लगा देते हैं, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस RT। ए हमारे पास आ गया 2x, x इंटू 1 प्लस 0.18, और टी हमने फाइंड करना है। डन होगी बात? अब क्या करेंगे, x इधर आकर डिवाइड होगा तो x से x कैंसिल, 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.18 टी, और टी हमारा आ गया 1 ओवर 0.18। टी हमारा कितना आ गया, तो ये आ रहा है जनाब 5.5556। अगर आप लोग जिंदगी में कभी, ये तो आ गया ना इयर्स में, अगर आप मंथ भी फाइंड करना चाहते हो तो आंसर ये हमारा है 5 ईयर्स, और जो पॉइंट के बाद आ रहा है उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया करो, उसको 12 से मल्टीप्लाई किया करो तो वो आपके पास मंथ आ जाएंगे। अगर आपने पेपर में, कभी कभी ऐसा होता है याज भाई, कहते हैं याज भाई क्लास आप लें कोई इशू नहीं है, लेकिन ये है कि आप एडमिन से रिक्वेस्ट करें कि आपको वेरीफाई करना है कि क्लास में एक क्लास कॉलेज से मॉनिटर हो रही होती है, ठीक है, तो वो वहां से एग्जिट कर देते हैं या रिमूव करते हैं, तो आप डायरेक्ट कॉलेज के नंबर पे रापता कर लिया करें जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आए। ठीक है जनाब, ये रिमशा ने कहा है। इसका स्टेप बता दें, देखिए ये 1 इधर आकर माइनस हो गया, तो 1 इज इक्वल टू 0.18 टी, और 0.18 इधर जाकर डिवाइड हो गया तो हमारे पास ये आ गया टी इज इक्वल टू 1 ओवर 0.18। डन। अगला सवाल, ये जितने भी मैं सवाल करवा रहा हूं ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, और हफ्ते वाले दिन हमने आप लोगों का टेस्ट डिस्कस करना है, जो आपका टेस्ट लिया गया है और जिसने नहीं सॉल्व किया वो काइंडली सॉल्व करे, और कल आपको एक और भी टेस्ट दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए, क्लास भी होगी और टेस्ट भी होगा सैम्पलिंग का ही, क्योंकि उसका टेस्ट हम लेते रहेंगे ताकि वो कहीं भूल ना जाए आप लोगों को। और जिस बंदे का मिसिंग है, यानी जिसकी कुछ क्लासेस मिसिंग है, वो अपनी क्लासेस भी कवर करके टेस्ट लाजमी दे। अगला सवाल लिखें, एन अमाउंट ₹500,000 इन्वेस्टेड फॉर 10 ईयर्स एंड 8 मंथ एट द रेट ऑफ 1.5% पर मंथ
फाइंड टोटल अमाउंट आफ्टर 10 years and 8 months. जल्दी से मुझे इसकी फ्यूचर वैल्यू बताएं, स्पीड लगाएं जी. शनिम का आ गया 14,60,000. सैफुला का आ गया 146,000. जरा अपना आंसर सैफुला रिवाइज करो. हाँ जी जनाब. जी अब जरा इसमें जो नया ट्रिक है उस पर गौर फरमाना, जरा जो ट्रिक इस्तेमाल हुआ है. आपने 5 लाख इन्वेस्ट किया, ये आपका पी है, ये आपका टाइम है. ये जो 1.5% पर मंथ है ना, इसको आप पर एनम में कन्वर्ट करोगे. जो आपका 1.5% पर मंथ है ना, जब कभी क्वेश्चन के अंदर आपको पर मंथ रेट गिवन हो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर, आप उसको पर एनम में कन्वर्ट करोगे. कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1.5% को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेट हमारा 18% है. ओके होगी बात. अब आप ए फाइंड कर लो. ए इज इक्वल टू पी इंटू 1+RT. पी हमारा है 5 लाख. 1+ रेट है 18%. टाइम है 10+8/12. टेन प्लस 8/12 मतलब 32/3. तो इसको हम सॉल्व कर लें. 32 को 0.18 से मल्टीप्लाई करके 3 पे डिवाइड कर लें, उसमें 1 ऐड करें और मल्टीप्लाई कर दें 500,000 से, तो हमारे पास एग्जैक्ट 14,60,000 आ रहा है. रोहान कहता है कि अगर टाइम को मंथ में कन्वर्ट कर ले तो फिर भी यही होगा. आंसर हमारा यही आएगा. ये भी पॉसिबल है कि जिस फॉर्म टाइम और रेट का स्टैंडर्ड सेम होना जरूरी है.
धनों की बात। आगे चले फिर, चलें जनाब क्वेश्चन की बात अभी यहां पर रोकते हैं। अब हम यानी इन फार्मूलाज की हमारी प्रैक्टिस हो गई ट्रिक्स के साथ भी, अब हम बात करते हैं कि आपके पास जो मेन फाइनेंस हम पढ़ रहे हैं किस पर्पस के लिए पढ़ रहे हैं, कि जब हम किसी से पैसे लेते हैं किसी को या देते हैं तो जो टाइम इस्तेमाल होता है फाइनेंसिंग के लिए जिसे हम इंटरेस्ट के तौर पर यूज करते हैं उसकी एप्लीकेशन एक्चुअल में क्या है। अब जरा गौर से सुनिएगा, अगर आप किसी बंदे से 100 रुपया उधार पे लेते हो आज तो उसकी वैल्यू 100 है, एक साल बाद उसकी वैल्यू 120 रुपए हो जाती है, मतलब इंटरेस्ट का फैक्टर के बाद। तो एक साल बाद आप अगर उसको वापस दोगे तो 120 रुपए दोगे, अगर आप 2 साल बाद वापस करोगे तो 140 रुपए देने पड़ेंगे, और अगर 3 साल बाद वापस करते हो तो 160 देने पड़ेंगे। मतलब आपके जो पैसे की वैल्यू है जैसे जैसे चेंज होती जाएगी आप वही अमाउंट पे किया करोगे। मतलब आज का 100 रुपया कल उसकी वैल्यू 120 के बराबर हो जाएगी। तो आप लोग जो ट्रांजैक्शन आज से पहले 100 रुपए पे कर रहे थे अब 120 रुपए पे करोगे। ओके की बात। इसलिए जब भी आप लोग कोई पैसे लेकर वापस करोगे तो आपने उस टाइम पर जाकर वापस करने हैं, आपने देखना है उस टाइम पर पैसे की क्या वैल्यू है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मतलब यह है कि आपके पैसे की वैल्यू वक्त के साथ साथ चेंज जो हो रही है उसका क्या, कैसे चेंज होगी। ओके होगी बात। अब मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग बात शेयर करता हूं। आज अगर मेरे पास 100 रुपए हैं और उसकी वैल्यू आज के 100 रुपए के बराबर है, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा इस 100 रुपए की वैल्यू चेंज होती जाएगी। ओके होगी बात। और एक बात याद रखें, पैसे को कंपेयर करने के लिए टाइम का सेम होना जरूरी है, पैसे को कंपेयर करने के लिए टाइम का सेम होना जरूरी है। इसकी मैं एग्जांपल 2-3 तरीकों से देता हूं। आप में से जिसके दादा जान जिंदा हैं, उनसे जाकर अभी पूछ के आओ कि जनाब जो उनका 1000 रुपया होता था उनकी जवानी में, क्या आज के 1000 रुपए को कंपेयर करो तो वैल्यू बराबर है या जमीन आसमान का फर्क है। वो 1000 रुपए से जो अपनी जरूरियात पूरी कर लेते थे, क्या आज आप उस 1000 रुपए से जरूरत पूरी कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं। वजह क्या हुआ? टाइम के साथ पैसे की वैल्यू खराब हो गई है, टाइम के साथ पैसे की वैल्यू खराब हो गई है। अपने दादा जान से कहो कि जो वो 1000 रुपए से इतना कुछ कर लेते थे वो 1000 रुपए आपको दे दे, क्योंकि जो आपका 1000 रुपया है उसकी वो वैल्यू नहीं रही। अब सुने जरा कि जो आपके दादा का 1000 रुपया है उनकी जवानी के टाइम का, क्या उसको आज के 1000 रुपए से कंपेयर किया जा सकता है? हरगिज नहीं कंपेयर किया जा सकता। अगर आपने कंपेयर करना है तो सबसे पहले टाइम को बराबर रखोगे, टाइम सेम रखना जरूरी है, पैसे की वैल्यू तब भी बराबर आएगी। जैसे आपने देखा हो
मैं कहता हूं एक बंदे के पास 1000 ग्राम्स है और एक बंदे के पास 100 केजी है, सॉरी 10 केजी है, मैं कंपेयर करना चाहता हूं किसके पास वैल्यू ज्यादा है, ये ए समझ लो और ये बी समझ लो, किसके पास वेट ज्यादा है। आप लोग बी के पास कह रहे हो उसके पास 10 है, मेरे भाई क्या हो गया आप लोगों को, बी के पास 10 है और ए के पास 1000 है, आप कैसे कह रहे हो कि बी के पास ज्यादा है। यूनिट डिफरेंट है, आप इसको कंपेयर करने के लिए इसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लो या इसके केजी बना लो, तो 1000 ग्राम का सिर्फ 1 केजी बनेगा, फिर आपकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कौन ज्यादा है और कौन कम है। तो मेरे भाई बिल्कुल ऐसे ही, जो आपके दादा का 1000 रुपया है वो आज से 60 साल पहले का है, उसको आज लेकर आओगे तो उसकी वैल्यू कुछ और होगी। तो जब भी पैसे को आपने कंपेयर करना है ना, तो आपने उसका टाइम सेम रखोगे तब कंपेयर करोगे। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूं, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। जब भी आप पैसे को कंपेयर करने लगो, उसको प्लस करने लगो, उसको माइनस करने लगो, आपने टाइम सेम करोगे, टाइम सेम करोगे तब जाकर प्लस माइनस या कंपेयर कर पाओगे, प्लस करोगे माइनस करोगे या कंपेयर करोगे, उसका जो यूनिट है वो टाइम है। अब इसकी मैं इंटरेस्टिंग एक एग्जांपल देता हूं। मिस्टर ए टेक अ लोन ऑफ रुपीज 50,000 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। आफ्टर टू इयर्स he paid rupees 40,000, what will be the remaining amount of loan, what will be the remaining amount of loan। लो मेरे भाई, मिस्टर ए ने 50,000 लिया 8% इंटरेस्ट के हिसाब से उधार पे, 2 साल बाद उसने 40,000 पे कर दिया, बाकी का कितना लोन उसके जिम्मे बच गया। अब जरा गौर से सुनना है, मिस्टर ए ने आज 50,000 लिया, 2 साल बाद 40,000 पे कर दिया, आप 50,000 में से 40,000 माइनस नहीं कर सकते, आप 50,000 में से 40,000 माइनस नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है, क्योंकि दोनों का टाइम सेम नहीं है। उधार ले रहे हो, उधार आप आज ले रहे हो, पेमेंट कर रहे हो 2 साल बाद, तो आप अपने लोन में से पेमेंट माइनस करने के लिए आप अपने जो लोन को किस जगह पर लेकर जाओगे, पेमेंट वाली जगह पे। 50,000 को पहले 2 पे लेकर जाओ कि वहां पर आपका लोन बनता कितना है। अगर मैं 50,000 को दूसरे साल पे लेकर जाऊंगा, इसकी मैं फ्यूचर वैल्यू फाइंड करूंगा या प्रेजेंट वैल्यू, ये तो आप बता सकते हो। जल्दी जल्दी बताया करो, लगता है सो गए हो यार आज आप ना। मैं इसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड करूंगा या प्रेजेंट वैल्यू। उर्वा किधर है, उर्वा का आंसर नहीं आया अभी तक। ईशा
मैरीन, फ्यूचर वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर टी। एक बात याद रखें, जब भी कोई वैल्यू फ्यूचर में लेकर जाओ तो फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर लो, जब भी कोई वैल्यू वापस लेकर आओ तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लो। फ्यूचर में जाओ तो फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट में तो प्रेजेंट वैल्यू। चले जी, हम फाइंड कर लेते हैं ए इज इक्वल टू 50,000 इंटू वन प्लस 0. रेट कितना है, रेट बताया हुआ है 8%, 08 इंटू टू। बताओ हमारा 2 साल बाद लोन कितना हो गया, जी 58,000। अब जनाब आपका दूसरे साल पे लोन हो गया 58,000 और आपने 40,000 पे कर दिया। अब आपका जो बकिया लोन बचता है वो बचता है 18,000। तो बात समझ लगी ना कि अब ये हमने किस तरह के सवाल करने हैं पेपर में। वो हमसे इस तरह की बातें करेगा कि इतना लोन ले लिया, इतने दिनों बाद इतने पैसे पे कर दिए, बताओ बाकी और कितने पे करने रहते हैं हमारे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी जो डेट है इसको हम कहते हैं डेट या लोन, डेट की और पेमेंट की डेट सेम करेंगे, डेट की और पेमेंट की सेम डेट करके उनको आपस में माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग लोन बच जाया करेगा। अगर मैं आपको डायरेक्ट एक फार्मूला लिख दूं, वैसे जरूरत तो नहीं होती फार्मूले की, हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ डेट बराबर कर देंगे वैल्यू ऑफ पेमेंट के। जितनी पेमेंट्स करेंगे एट सेम डेट, जितनी पेमेंट्स करेंगे उसकी भी डेट सेम कर देंगे, और जितने हमारे लोन्स होंगे उनकी भी डेट हम सेम कर देंगे। बात समझ लगी, जितनी पेमेंट्स करेंगे और जितने लोन होंगे उन सब को बराबर करके लोन में से पेमेंट्स माइनस कर दिया करेंगे तो हमारा बाकी का लोन फाइंड हो जाया करेगा। ओके होगी बात, चलो जी फिर आगे चलते हैं। जी चले आगे, अब कुछ क्वेश्चन करने लगे हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे और आपको उस पर थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ेगी अंडरस्टैंडिंग लेते हुए। जी करते हैं बिस्मिल्लाह। हाँ जी सर, जो आपने वैल्यू निकाली फ्यूचर वैल्यू ना, हाँ जी, तो हम प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, मगर 40,000 अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो पी ना क्या, उसको ए पी फाइंड कर लेंगे, लेकिन हमें ना 2 साल बाद लोन चाहिए तो हम भी अपनी वैल्यू 2 साल के बाद ही लेकर जाएंगे। सर वो आप पूछ रही, मगर मैं ऐसे ही आपसे पूछ रहा था कि अगर हम पिछले साल के साथ कंपेयर करेंगे तो जो हमारा 40,000 वो ज्यादा नहीं होगा, वो हम देखते हैं ना, अभी क्वेश्चन करने लगे हैं उसी तरह का, ये क्वेश्चन करने लगे हैं। चले जी क्वेश्चन लिखे, जरा एक क्वेश्चन लिखे, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 6,000 ड्यू एट सेकेंड ईयर। इसका मतलब है हमने 2 साल बाद 6,000 देना है, एंड रुपीज
10,000 DU at 7th year. ड्यू का मतलब है आपके पेबल है, आपने कुछ 6,000 रुपया लिया हुआ है दो साल की उधार पे और 10,000 लिया हुआ है 7 साल की उधार पे. अब आपने डिसाइड किया है, इट इज डिसाइडेड टू पे होल डेट into two installment, first at third year and second at sixth year. Amount of second installment is rupees 8,000 What will be the amount of first installment? What will be the amount of first installment if rate of interest is 10%. एक दफा ये क्वेश्चन पूरा लिख लें. फिर इसकी डिस्कशन करते हैं. क्वेश्चन लिख लिया है तो आगे चले. जी जनाब. अब जरा गौर फरमाएं, हमारी दो अमाउंट्स ड्यू हैं, एक दूसरे साल पे 6,000 ड्यू है और सातवें साल पे 10,000 ड्यू है. अब हमने डिसाइड किया कि एक अमाउंट हम पे कर देंगे तीसरे साल और एक अमाउंट पे कर देंगे छठे साल. छठे साल जो पेमेंट कर रहे हैं वो 8,000 है. हम क्या करते हैं, जरा एक टाइम लाइन बना लो. आपकी जो अमाउंट ड्यू है, एक है दूसरे साल पे और एक है सातवें साल पे. दूसरे साल पे 6,000 आपने देना है, सातवें साल पे 10,000 देना है. ये आपका डेट है, मतलब के लोन है. अब डिसाइड ये हुआ कि एक किस्त आपने देनी है तीसरे साल और एक किस्त दे रहे हो छठे साल. छठे साल पे जो पेमेंट कर रहे हो वो है 8,000 और तीसरे साल की पेमेंट का नहीं पता, वो हम रख लेते हैं एक्स. अब हमने फाइंड करना है एक्स की वैल्यू के तीसरे साल कितनी पेमेंट हमें करनी पड़ेगी पूरे डेट को खत्म करने के लिए, अपने लोन को खत्म करने के लिए. ओके होगी बात. चैलेंज. अब आपने करना क्या है कि जिस जगह पर अननोन वैल्यू होगी उस जगह को कंपैरिजन डेट मान लो. जिस जगह पर अननोन वैल्यू होगी आप कोशिश किया करो कि उस डेट के ऊपर अपने सारे डेट्स को और सारी पेमेंट्स को इकट्ठा कर लो.
क्योंकि हमारा फार्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ पेमेंट्स हमेशा बराबर होगी वैल्यू ऑफ लोन के, वैल्यू ऑफ पेमेंट हमेशा बराबर होगी वैल्यू ऑफ लोन के। बात समझ लग रही है ना, वैल्यू ऑफ पेमेंट हमेशा बराबर होगी वैल्यू ऑफ लोन के। अब हम क्या करेंगे, इस तीसरे साल के ऊपर अपने सारे डेट्स की वैल्यू भी देखेंगे और अपनी सारी पेमेंट्स की वैल्यू भी तीसरे साल पे देखेंगे। मतलब इसका यह है कि हमने 6,000 को भी 2 से उठा के 3 पे लाना है और इस 10,000 को भी 7 से उठाकर 3 पे लाना है। आपने मुझे बताना है मैं 6,000 की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करूं या फ्यूचर वैल्यू फाइंड करूं। जो हमारे पास 6,000 को 3 पे लेकर जाना है इसकी हमें फाइंड करनी है फ्यूचर वैल्यू, और जो 10,000 को तीसरे साल पे लेकर आ रहे हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे या फ्यूचर वैल्यू। काम ही खत्म हो गया, फाइंड कर लेते हैं हम जी। A इज इक्वल टू पी इन टू 1 प्लस आर टी। 6,000 का हमने A फाइंड करना है, इन टू 1 प्लस रेट कितना हमने लिखा हुआ है 10%, और टाइम कितना है 1 साल। हमारे डेट की वैल्यू 1 साल बाद 6,600 हो जाएगी। डन। फिर देखें जरा, पी का फार्मूला है ए ओवर 1 प्लस आर टी, क्योंकि इसी फार्मूले से ए पी भी फाइंड होगा ना। हमने अगर पी फाइंड करना है तो जो 1 प्लस आर टी उधर मल्टीप्लाई हो रहा है पी के साथ, ए पे डिवाइड हो जाएगा। बात क्लियर हुई? चैलेंज। अब क्या करेंगे, 10,000 को डिवाइड कर देंगे 1 प्लस 0.10 और टाइम है 4 साल। किसी को 4 साल के टाइम का पता चला है? क्योंकि 7 साल से हम वापस 3 साल पे जा रहे हैं तो 4 साल मूव करके वापस जा रहे हैं। डन। तो बताएं जनाब इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई? दस हजार को डिवाइड करो जरा और उसकी मुझे प्रेजेंट वैल्यू बताओ। मोहम्मद अली बता रहा है 9,600। नहीं मोहम्मद अली, 9,600 तो नहीं आ रही। यार ये 7,143। जनाब ये हमारे पास आ गई वैल्यू ऑफ डेट। जितने आपके डेट हैं तीसरे साल के ऊपर उनकी वैल्यू ये आ गई 7,143। जितने हमारे डेट थे हमने सारे लोन्स को एक ही जगह पर लेकर इकट्ठा कर दिया, तो हमें अब आ जाए कि वैल्यू ऑफ पेमेंट। दो पेमेंट्स हैं, एक एक्स है और एक 8,000 है। इन दोनों को हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं या 8,000 को भी 3 पे लाने की जरूरत है?
इस 8000 को डायरेक्ट में एक्स में ऐड कर दूं या इसको भी थ्री पे लाने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि पेमेंट्स का और डेट का सेम टाइम होगा तो ही ये प्लस माइनस या कंपेयर होंगे। तो 8000 की फ्यूचर वैल्यू फाइंड करूं या प्रेजेंट वैल्यू? 8000 की फ्यूचर वैल्यू फाइंड करूं या प्रेजेंट वैल्यू? जाहिर सी बात है प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है, तो इधर ही कर लेता हूं मैं। P इज इक्वल टू 8000 ओवर 1 प्लस 0.10 इनटू 3। बता दें जनाब, 8000 की प्रेजेंट वैल्यू सिक्स वन फाइव फोर। महरीन ने कहा कि सर 8000 कैसे आता है? 8000 गिवन है महरीन। क्वेश्चन पढ़ा है आपने? क्वेश्चन पढ़ा है? दो पेमेंट्स की हैं, एक फाइंड करनी है, एक बताई हुई है। छठे साल वाली पेमेंट बताई हुई है। डन होगी बात? चले जी, अब आ जाए जरा। दूसरी पेमेंट X है। अब मुझे बताओगे X की मैं फ्यूचर वैल्यू फाइंड करूंगा, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करूंगा या इसको X ही रहने दूंगा? ये तीसरे साल के ऊपर है ना, इसको हम आगे लेकर जा रहे हैं ना इसको हम पीछे लेकर जा रहे हैं, तो ये वैल्यू एज इट इज रहेगी। तो वैल्यू ऑफ पेमेंट मेरे पास है एक्स प्लस 6154। अब जरा गौर फरमाइएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा कि तीसरे साल के ऊपर हमने वैल्यू ऑफ डेट भी कर लिए, ये दोनों वैल्यू ऑफ डेट थे और ये दोनों वैल्यू ऑफ पेमेंट्स हैं। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा कि x इज इक्वल टू जितना हमारा लोन बनता है उसमें से पेमेंट माइनस कर दो, तो बाकी का आंसर हमारा पेमेंट आएगी वो तीसरे साल की आएगी 7589। ये हमारी तीसरे साल की पेमेंट है कि तीसरे साल आप ये पे करोगे तो आपका सारा लोन खत्म हो जाएगा। ओके होगी बात? थक तो आप गए होंगे लेकिन एक क्वेश्चन मैंने आपको लाजमी करवाना है, और कल भी मैंने आपको क्वेश्चन ही सेंड किए थे, आज मैं सेंड करूंगा क्वेश्चन या असाइनमेंट सेंड करूंगा जो क्वेश्चन आपने करने हैं। तो क्वेश्चन एक लिखे जरा, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 6000 ड्यू एट सेकेंड ईयर, रुपीज 10000 ड्यू एट फिफ्थ ईयर, रुपीज 8000 ड्यू एट एट्थ ईयर। तीन लोन आपने पे करने डिफरेंट टाइम पे, एक 6000 दूसरे साल, 10000 पांचवें साल और 8000 आठवें साल। इट इज डिसाइडेड टू पे 2 installments. First installment ₹12,000 at fourth year and
सेकेंड इंस्टॉलमेंट एट 10th ईयर, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सेकेंड इंस्टॉलमेंट if rate is 8%? जल्दी करके मुझे सेकेंड इंस्टॉलमेंट बता दो जो 10वें साल पे करनी है 8% रेट के हिसाब से, कि आपका पूरा कर्ज खत्म हो जाए जो आपने देना है। टाइम है आपके पास 5 मिनट, जल्दी कर लें जरा, 5 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर दें।
हाँ जी आंसर आना शुरू हो गए हैं। जल्दी से सब लोग अपने अपने आंसर निकालें ताकि हम फिर आपस में मैच कर सकें। तकरीबन आंसर मिलता जुलता ही आ रहा है सबका। जी बाकी लोग भी आंसर बताएं ना। 15,360 आ रहा है। रनों की बात आगे चलें। चल एक दफा देख लेते हैं ताकि आपके आंसर्स मैच कर लेते हैं। टाइमलाइन बना लो ना पहले। सेकंड ईयर पे 6,000 है, फिर पांचवें पे 10,000 है, आठवें पे 8,000 है। ये हमारा लोन था ना, पेमेंट एक चौथे साल पे है और एक 10वें साल पे है। चौथे साल की पेमेंट हमने 12,000 की है और 10वें साल की पेमेंट हमें चाहिए। यही टाइमलाइन बनी ना सबकी, या किसी की टाइमलाइन चेंज है? और हमने कहा कि हम उस डेट पर जाया करेंगे जहां पर अननोन वैल्यू होगी। हाँ, अगर अननोन वैल्यू 2 से 1 से ज्यादा हो तो फिर हम अपनी मर्जी करेंगे कि किसी एक डेट के ऊपर। तो हम क्या करेंगे कि 8,000 को भी यहां पर लाएंगे, 10,000 को भी और इस 6,000 को भी। इन तीनों का ए फाइंड हो रहा है, इसका भी ए फाइंड करेंगे। पी इंटू 1 प्लस आर टी, इसका भी ए फाइंड करेंगे क्योंकि इसकी भी फ्यूचर वैल्यू फाइंड होगी, और इसका भी ए फाइंड करेंगे। डन होगी बात। इन तीनों का ए जब फाइंड हो जाएगा तो वो हमारी आ जाएगी 10वें साल के ऊपर डेट की वैल्यू। करके देख लो, 6,000 इंटू 1 प्लस 0.08 इंटू 8। इसका मुझे कोई आंसर बता दे। नाइन एट फोर जीरो। फिर दूसरा लोन हमारा 10,000 है, उसकी भी हम फ्यूचर वैल्यू फाइंड करेंगे 5 साल के लिए। फोर्टीन थाउजेंड आ जाएगा। और 8,000 का अगर आप 2 साल के लिए फाइंड करो, कितना आ रहा है? 9,280। ये हमारा डेट आ गया। अब हमारी पेमेंट 12,000 है, इसको भी हम ले जाएंगे 10 पे। तो आप सिर्फ ये बता दो कि हमने इसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है या प्रेजेंट वैल्यू। हाँ जी जना, इसकी भी फ्यूचर वैल्यू फाइंड होगी।
और कितने सालों के लिए होगी? 6 सालों के लिए। जी पेमेंट्स कितनी आ रही है? पेमेंट्स कितनी आ रही है? 17760। वैल्यू ऑफ पेमेंट को और वैल्यू ऑफ डेट। वैल्यू ऑफ पेमेंट हमारे पास है एक्स प्लस 17760 और वैल्यू ऑफ डेट तीनों को ऐड करके बता दे 9840 प्लस 14000 प्लस 9280। लो मेरे भाई, डेट में से जितनी पेमेंट कर दी है माइनस कर दो तो बाकी पेमेंट हमने करनी है। तो बताओ जनाब बाकी कितनी पेमेंट हमने करनी है? 15,307। क्लियर होगी बात? अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन सेंड करूंगा, आपने उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है? ओके जी, अल्लाह हाफिज़।